शिवशी गांगुली जी न्यूज, शिवशी गांगुली जी न्यूज प्लीज रिस्पॉन्ड। Am I audible? Yes, you are audible, sir. Okay. So I cannot hear you properly. डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय यू रिगार्डिंग दिस फ्रेट, बट पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट दिस कमेंसमेंट और रिज्यूमिंग Metro has already started, will be starting their service from 14th. So do you have you chalked out any plan or any primary thing before commencing the local train? I mean, I know that the final order will come from Railway Board, but have you planned anything before that, that how many trains will like to start with the, and how, what are the stations that you want to give service and all of the things? चालू होगा कितना स्टेशन कितना इनिशियल है कितना स्टेशन जो है। देखिए इसमें हम लोगों ने आपको पता होगा कि जैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशन आया था कि सबर्बन ट्रेन और मेट्रो ट्रेन सर्विसेज शुरू हो सकता है, उसके बाद रेलवे की तरफ से हम लोगों ने दोनों साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे तीनों जोन जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन इसमें रहेगा जब ये गाड़ियाँ चलेंगी, तो इसलिए मेट्रो के साथ इसमें जो इनिशियल मीटिंग हुआ है उसके बाद प्लान चौकआउट होकर मेट्रो ट्रेन सर्विसेज अभी लिमिटेड वे में शुरू हुआ है, और अभी मेट्रो में जो ट्रेन चल रहे हैं उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए हम लोग जल्दी ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये मीटिंग करेंगे ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, और ज्वाइंटली प्रोग्राम वर्कआउट होगा उस हिसाब से हम लोग उसको ग्रेडेड वे में सबर्बन सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकोलाय बैनर्जी फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया इशू मॉल। सुकोलाय प्लीज कैन यू हियर मी? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। यस, वी कैन हियर यू सर। एम आई ऑडिबल सर? यस यस। Well, good afternoon, sir. I have two questions. Actually, first is that in near future, do you have any plans to close down the stations who have very less footfall? And the second one is, are you going to change the ticketing system just like Kolkata Metro in very near future when the local services will be commenced? अभी कोई ऐसे प्रपोजल नहीं है कि हम कोई स्टेशन को बंद कर दें कि लेस फुटफॉल है तो उसको बंद कर दें, वैसे कोई प्रपोजल नहीं है। और जो टिकटिंग सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, अभी देखिए ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली रेलवे, सारे ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो कहीं भी हो, वो सब डिजिटल पेमेंट्स का एनकरेजमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको एनकरेज करेंगे। लेकिन ये कहना कि हम बाकी वे में नहीं करेंगे ये थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इसको नहीं अडॉप्ट कर पाए, तो इसलिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट एनकरेज जरूर कर सकते हैं कि डिजिटल वे में पेमेंट करें ताकि फिजिकल कोई एक्सचेंज टिकट का नहीं हो, क्योंकि ये जो चलते हुए पैंडेमिक जितना फिजिकल इंटरेक्शन कम हो उतना ही अच्छा है, ये आप हम सबको पता है, तो उसको हम लोग एनकरेज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Kubala. Next, Pinak Ghosh from the Telegraph. Pinak Ghosh, can you hear me? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir, please.
Yeah, so basically, the question is that I had was, on one hand, the railways is offering concessions on freight, and there is no passenger traffic at the moment. So what impact it will have on the earnings of Southeastern Railway, and whether the operating ratio that was expected to improve this year, as you had said earlier, will the improvement actually happen? And if so, what? To how much? देखिए, जो पहले तीन महीने में जो हमारा 23.8% जो फ्रेट लोडिंग कम हुआ है, और उसके चलते हुए हमारा जो अर्निंग्स फ्रेट का है वो अभी उसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे तो काफी कम हुआ है, वो तो नेचुरल है। ये एक अच्छा साइन है कि जुलाई तक जो हमारा फ्रेट का अर्निंग मंथ टू मंथ नेगेटिव चल रहा था वो अगस्त में पॉजिटिव हुआ है। फ्रेट का अर्निंग्स जो अगस्त का है वो पिछले साल अगस्त से ज्यादा हुआ है, और करीब करीब हमारा जो फ्रेट अर्निंग्स है अप्रैल से अगस्त वो करीब 880 करोड़ लेस हुआ है पिछले साल से, लेकिन अगस्त में ये पॉजिटिव हुआ है। और ये आगे चल के, जैसे मैंने कहा आपको, इस महीने में पहले 10 दिन में हमारा 15% प्लस चल रहा है लोडिंग। आगे चल के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको मेकअप करेंगे। ये जो हमारा इनिशियल 4 मंथ में जो फ्रेट अर्निंग में जो लॉस हुआ है, जो एक्सपेक्टेड लेवल से कम रहा है, वो हम लोग मेकअप कर लेंगे, ये हम कॉन्फिडेंट है। बट एक और है एस्पेक्ट उसका, जो कोचिंग अर्निंग्स का, पैसेंजर ट्रेन्स का, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स पहले नहीं चल रहे थे, अभी लिमिटेड वे में चल रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का अर्निंग्स जो है वो करीब करीब 700 करोड़ ये पहले 5 महीने में कम रहा है पिछले साल से, और ये एक एस्पेक्ट है। बट हम लोग इसके लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर दोनों पर डिपेंड करता है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो क्यूमुलेटिव मंथ वाइज हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, और अप्रैल में ये बहुत ही खराब रहा, क्योंकि अप्रैल में जैसे मैंने आपको कहा करीब 34% ड्रॉप रहा फ्रेट लोडिंग, और कोचिंग ट्रेन्स कोई चल नहीं रहे थे, तो हमारा अर्निंग्स अप्रैल में काफी खराब रहा। तो ऑपरेटिंग रेशियो अप्रैल का इट वॉज मच मोर देन 100%, तो ऑपरेटिंग रेशियो 100 से कम होना चाहिए, ये आप लोगों को पता है। बट एक बहुत ही अच्छा हमारा ये डेवलपमेंट है कि अप टू एंड ऑफ अगस्त 2020 हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 90-80 अप टू एंड ऑफ अगस्त, ना ये मंथ टू मंथ हम लोग इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। एंड बाय द टाइम वी रीच एंड ऑफ मार्च आई एम सर्टेन दैट वी विल बी हैविंग अ वेरी हेल्दी ऑपरेटिंग रेशियो फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवे, गिवन द फैक्ट that we have lost so much of traffic in the first 3 months because of the adverse effects of the coronavirus. Thank you, sir. Yeah. Next. Will it be late? Will it be less? Hello? Sir. Hello? Yeah, yes, so please. Will it be less than 64%? Will it be less than 64% or, that was the amount we got last year, so will it be less than that or it will be somewhat around? No, it will be very difficult, this is not a time when you can predict things with a lot of exactness, because, how this situation is developing from every, month to month. So it is too early to say what will be the operating ratio at the end of March, though that it will be much better than what it is now. We have already come into the positive territory. In fact, at the end of, in April, it was about 178%. I am giving you a figure. In April, okay. 8%. The earnings were so low. But in by the end of August, it has come to 98%. So that is an improvement of, you can see what is the improvement. So that improvement will continue, and we will certainly be ending up at a much healthier position than what it is now. Okay. Thank thanks. You, Pinak. Next, Abir Ghoshal, News 18 Bangla. Abir Ghoshal. Disconnected. Abir?
हेलो अबीर, हाँ डिसकनेक्टेड। ओरित्रिक भौचज एबीपी, ओरित्रिक, हाँ ओरित्रिक प्लीज। हेलो ओरित्रिक, unremunerating train, is there any plan to cancel out unremunerating trains from Southeast India, Southeastern Railway network? Unremunerative trains, we cancel this program to cancel unremunerative trains. अभी तो देखिए, अभी तो बहुत ही लिमिटेड वे में गाड़ियां चल रहे हैं, अभी तो जो होगा वो तो बढ़ेगा ही, और ये अनरिम्यूनरेटिव और रेम्यूनरेटिव ये तो इट इज टू अर्ली टू से, अभी ऐसे कोई प्लान नहीं है। बेसिकली हम लोग ये सिचुएशन जो है उसको देखते हुए क्या गाड़ी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ डिमांड है, कहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस है, वो सब देखते हुए हम धीरे धीरे गाड़ियों को ग्रेडेड वे में बहुत ही स्लोली ये बढ़ता रहेगा एज द सिचुएशन डेवलप्स एंड द अनलॉकिंग पीरियड यू नो गोज ऑन। सो अभी ये कहना कि कोई जो अनरिम्यूनरेटरी ट्रेन है उसको बंद कर देंगे या नहीं चलाएंगे, ऐसे कोई डिसीजन अभी ऐसे कम्युनिकेट नहीं हुआ है। कथा बोलते पार्बेन तो कॉल कर दो। थैंक यू ओरित्रिक, थैंक यू सर। नेक्स्ट आई विल कॉल तरुण चक्रवर्ती फ्रॉम आजकल। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? यस। एम आई ऑडिबल? यस सर। सर, हाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू रिज्यूम द ट्रेन सर्विस एंड पैसेंजर्स? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर पैसेंजर ट्रेन्स राइट नाउ, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन आर यू टेकिंग फॉर दिस अपकमिंग दुर्गा पूजा? दिस टू क्वेश्चन आई हैव। I have already answered this question beforehand. Basically, you know, if you are talking about the suburban services, then we will be very soon having a meeting with the state government concerned officers, and joint strategy will be chalked out, because we will be requiring a lot of input from the state government side also, as far as the access into the stations is concerned. So that program will be chalked out by Southeastern Railway and Eastern Railway in coordination with the state government, and that gradually, you know, the services will be increased depending on the experience and the arrangements to be made in the field. So I'm sure that ये दुर्गा पूजा तो अभी बहुत टाइम है, उसके पहले हम लोग ये सर्विस इंट्रोड्यूस करके as we decide to go ahead, we'll be introducing the trains. और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के बारे में भी वही मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये धीरे धीरे गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस होंगे डिपेंडिंग ऑन दी डेवलपिंग सिचुएशन डिफरेंट स्टेट्स, और जो फ्रॉम द पैसेंजर्स एंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, क्लियरेंसेस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उसको देखते हुए धीरे धीरे ये ग्रेडेड वे में सर्विसेस इंट्रोड्यूस होंगे लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स के भी और सब अर्बन ट्रेन के भी। थैंक यू सर, थैंक यू तरुण चक्रवर्ती। नेक्स्ट आई विल कॉल मिस्टर अमिताभ राय फ्रॉम पीटीआई। Sir, can you hear me? Yeah, yeah. Can you hear me? Yes. Yes, you're audible. Hello. Yes, we can hear you. I would like to know whether the lockdown, the long lockdown has helped in expediting construction projects of Southeastern Railway, like those of new lines or doubling of lines or electrification. Thank you, sir. Actually, you know, the construction projects, the major construction projects require labor. And you know very well that initially there was restriction on movement of, you know, people in general. Or, isliye initial period mein
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अफेक्ट हुआ था और ये नेचुरल है कि इनिशियल पीरियड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ा अफेक्ट हुआ था, बट जैसे जैसे अनलॉक पीरियड शुरू हुआ तो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गए, स्पीड बढ़ा है। और अभी जैसे मैंने कहा, आपको पता है कि अभी हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने में काफ़ी सारे वर्क्स कमीशन किए हैं, और वो इसीलिए कमीशन कर पाए हैं क्योंकि वो लेबर जैसे जैसे वापस आया, हम लोगों का जो बचा हुआ काम था उसको कंप्लीट करके हम लोगों ने वो सेक्शन को कमीशन किया है। और अभी हम लोगों के सारे साइट्स पे काम चल रहे हैं और हम आगे चलते हुए ये अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में और उसके बाद भी और भी वर्क कमीशन करते रहेंगे। तो अभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो समराइज इनिशियली कुछ इफेक्ट था, लेकिन अभी वो इफेक्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल नहीं है करके बता सकता हूँ मैं, नॉर्मल चल रहा है। और इसलिए हम लोगों का आगे भी जो प्लानिंग है सेक्शंस कमीशन करने का, वो आगे हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि उसको हम कमीशन कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू अमित बोरा। नेक्स्ट आई कॉल, नेक्स्ट आई कॉल निशा स्टेट्समैन। निशात, कैन यू हियर मी? आई थिंक निशात, कैन आई ऑडिबल? अभी सर, अभी हियर कैन आई ऑडिबल? यस यस यस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू देन। अभी फ्रॉम न्यूज 18। सर सर, माय क्वेश्चन इज, इन रिसेंट फ्यू वीक्स, इन पास्ट वीक्स, इन LW एरिया, इन द झारग्राम रीजियन, is there some problem and already the state DG visit that place. Is there any plan from the Southeastern Railway to strengthen the security system in that LW area? देखिए, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो तो सब जगह है, ऑल ओवर द रेलवे, और गवर्नमेंट से जो इनपुट मिलता है उसके हिसाब से हम लोग नेसेसरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और करते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके अभी, आई थिंक यू गॉट योर आंसर। थैंक यू अभी, थैंक यू सर। नेक्स्ट आई विल कॉल चंदन राय फ्रॉम सोमग्गा। आई थिंक चंदन राय राइट नाउ, चंदन, चंदन कैन यू हियर? चंदन, निशाद, शीशी शरण राय, राजस्थान पत्रिका, शीशी शरण राय, राजस्थान पत्रिका, शीशी शरण फ्रॉम राजस्थान पत्रिका, नेटवर्क का प्रॉब्लम, not really, someone is roof night now, I talk with some people but I am roof, I am not getting connection. Hmm. Just standing in the roof. Sir, am I audible sir? Yeah, yeah, CC. Chandan Rai sir, Samagya. Chandan, okay, Chandan, please carry on. Sir, mera sawal tha sir, to log inse, yani ki April se August ke period mein sir, kis commodities ki supply ya product ki supply sabse zyada rahi hai, Indian aur uska koi ratio hai sir? प्लीज कैन यू रिपीट चंदन? सर मैंने बोला सर, जैसे लॉकडाउन पीरियड जब से स्टार्ट हुआ, यानी कि अप्रैल टू अगस्त के पीरियड में, इस कॉमोडिटी तो लोडिंग है सर सबसे ज्यादा रहेगा, इस कॉमोडिटी का लोडिंग ज्यादा रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो फ्रेट लोडिंग होता है उसमें करीब करीब 55% से ज्यादा जो है वो आयरन ओर की होती है, और करीब करीब 19-20% कोयले का होता है। तो मेजर कमोडिटीज ये दोनों हैं। तो हमारा जो मेजर लोडिंग इवन इस पीरियड में भी वही आयरन ओर का ही हुआ है और कोयले का हुआ है, उसके अलावा जो स्टील प्रोडक्ट्स है उसके लोडिंग हुआ है। ये हमारे तीन मेजर कमोडिटीज यहाँ से लोडिंग होता है, आयरन ओर, कोल एंड फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स, तो ये उस ऑर्डर में लोडिंग हुआ है। और उसके अलावा हम लोग बाकी कमोडिटीज भी लोडिंग करते हैं, सीमेंट हमारा लोडिंग होता है सब्सटेंशियली, सीमेंट लोडिंग करते हैं,
और उसके बाद जो फर्टिलाइजर लोडिंग होता है, कुछ फूड ग्रेन लोडिंग हुआ है, हम लोगों ने बांग्लादेश के लिए फूड ग्रेन का लोडिंग भी अभी शुरू किया है, फूड ग्रेन का लोडिंग हुआ है, और बाकी उसके अलावा जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये सब जो लोडिंग होता है वो लोडिंग हुआ है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लोडिंग होता है रेगुलरली, वो भी लोडिंग हुआ है, कंटेनर्स लोडिंग होते हैं, डोमेस्टिक कंटेनर्स और एक्जिम कंटेनर्स, ये दोनों भी लोडिंग हुए हैं, बट मेजॉरिटी जो कमोडिटी है साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो लोडिंग कमोडिटी प्रोफाइल है उसमें मेजर है सबसे ज़्यादा आयरन ओर का, उसके बाद कोल, बोथ डोमेस्टिक कोल एज वेल एज इम्पोर्टेड कोल, कोल एंड देन स्टील प्रोडक्ट्स, ये तीन मेजोरिटी है 1, 2, 3। थैंक यू सर, थैंक यू चंदन, आई थिंक यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट आई विल कॉल निशाद फ्रॉम स्टेट्समैन। निशाद। यस सर, कैन यू हियर मी? यस यस, यू आर वेरी मच ऑडिबल। हेलो। यस, वी कैन हियर यू निशाद। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। सर अभी आपने कहा कि दुर्गा पूजा के पहले हो सकता है लोकल ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट की जा सकती हैं, तो कितना चांसेस है, लाइक क्या सच में ये सर्विसेज चालू की जा सकती हैं, और उसके लिए स्टेशन मैपिंग वगैरह क्या हो गया है, कौन कौन सी ग्रे एरियाज या प्रॉब्लमेटिक स्टेशन आप देख रहे हैं, अगर आपने किया होगा तो सर? नहीं देखिए, ये मैं अभी बता चुका हूं कि जो हम लोगों का प्लान रहेगा वो एक जॉइंट प्लान रहेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। तो वो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए, कि वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा, क्योंकि पहले मेट्रो का सर्विसेस अभी शुरू हुआ है कोऑर्डिनेशन मीटिंग होके, और अभी लोकल ट्रेन जो सबर्बन ट्रेन है उसके लिए भी हम लोग मिलेंगे और एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी वर्कआउट करेंगे, और उसके तहत फिर हम लोगों ग्रेडेड वे में हम लोग इसको सबर्बन सर्विसेज इंट्रोड्यूस करेंगे। वो यूनिलेटरली हम नहीं कह सकते हैं, ये एक ऐसा चीज है और एक ऐसे सिचुएशन है, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे इनपुट की जरूरत होती है, तो इसलिए यूनिलेटरली हमारा कहना इसमें ठीक नहीं जाएगा, बट सर्विसेज हम लोग अभी ज्वाइंट मीटिंग करके स्ट्रेटजी बना के उसको ग्रेडेड वे में सबर्बन सर्विसेज इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू निशाद, एंड आई थिंक सुमन हैव सम क्वेश्चन। सुमन, आई थिंक यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट आई विल कॉल सोमनाथ सरकार। आर यू ऑन द लाइन? मॉर्निंग इंडिया सोमनाथ। सहरियर फ्रॉम मिलेनियम पोस्ट। ऑल डिसकनेक्टेड हु आर एट प्रेजेंट आर कनेक्टेड आर गॉट देयर आंसर। So I request sir to give a thanks, and from Southeastern Thai I give a great thanks to you people for attending the PC, sir. Yeah, it has been a good interaction, and I hope we have been able to answer the questions that you had in your mind. We will certainly try on Southeastern Railway to fulfill all the expectations of the traveling public as well as the freight customers. And we as a team on Southeastern Railway, it is a very highly dedicated team of staff and officers in the field units as well as in the headquarter. Aur hum log aapke जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो CPRO हैं उनसे आप उनके थ्रू आप लोग पूछते रहते हैं और वो भी आंसर करते रहते हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन इन द फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।